हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ वेज पुलाव, जिसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा कटा हुआ बीन्स, दो प्याज, थोड़ा सा फ्लावर, एक छोटा कैप्सिकम, गाजर, पीस, एक कप बासमती राइस और घी। आइए देखते हैं, घी को सबसे पहले कुकर में डालेंगे और इसे हिट होने देंगे हाई फ्लेम में। फिर हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, तेज पत्ता, दालचीनी, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, दो लौंग, 8 दाना, 8 से 10 दाना ब्लैक पेपर, और इसे मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे प्याज और इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने करना है। और हम ये जिंजर ये देखिए प्याज फ्राई हो गया है। अब हम सारी सब्जियों को एक एक करके डालेंगे। ग्रीन के लिए ये सोयाबीन क्रम्स और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए सब्जी थोड़ा फ्राई हो गया है, तो अब हम इसमें मसाला डालेंगे, नमक टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इसे फ्राई करेंगे। हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे सेम आंच में। मसाला सब्जियों के साथ फ्राई हो चुका है, तो हम इसमें राइस डालेंगे। अब ये थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें राइस डालेंगे। अब हम मिक्स करेंगे इसे मीडियम फ्लेम में, मिक्स करना है हमें। और हम इसमें पानी डालेंगे। अब मैंने 1 कप राइस लिया था, तो पानी हम 2 कप डालेंगे। और फिर से इसे मिक्स करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा पनीर का पीसेस ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और फिर इसे मिक्स कर देंगे। और प्रेशर कुकर को हम बंद करेंगे और मीडियम आंच में इसे
दो सिटी लगवाएंगे। दो सिटी लग चुका है, अब आइए चेक करते हैं हमारा वेज पुलाव कैसा बना है। ये देखिए ये पक चुका है, अब इसे सर्व कीजिए रायता के साथ और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।